ओके okay, सो so, आज का वीडियो इज़ ऑन अबाउट आर एन टी सी पी तो मैं आपको इस प्रोग्राम के बारे में जितना हो सके उतना ब्रीफ आउट करूँगी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है इसका फुल फॉर्म है रिवाइज नेशनल ट्यूबरकोसिस कंट्रोल प्रोग्राम ये 1992 में रिवाइज़ हुआ था बना ये था इन 1962 जब ये बना था तब इसका नाम था नेशनल ट्यूबरकोसिस प्रोग्राम इसको हमने रिवाइज़ क्यों किया क्योंकि इस प्रोग्राम में बहुत से तरीके की वीकनेसेस थी ठीक है इसकी इनएडिकुएट फंडिंग थी ओवर रिलायंस था और एक्सरेज डायग्नोसिस के लिए इंटरप्टेड सप्लाई ऑफ ड्रग्स थी और लो रेट्स ऑफ ट्रीटमेंट कंप्लीशन थे तो हमने 1992 पे ड्यू टू इन ये सब जो इसके ड्रॉबैक्स हैं इसकी वजह से हमने दो दो चीज़ अडॉप्ट करी एक तो आर एन और दूसरा डॉट्स डॉट्स क्या होता है डॉट्स इज डरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स ठीक है अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि 85 फाइव परसेंट क्योरेट होना चाहिए टीवर कलॉसिस पेशेंट्स का और 70 परसेंट जो है वो अपन क्वालिटी स्पूटम माइक्रोस्कोपी से डिटेक्ट करें केसेस ठीक है जितने भी केसेस हैं उसमें सेवेंटी परसेंट केसेस अपन डिटेक्ट कर पाए स्पूटम माइक्रोस्कोपी से तो ये थे इसके दो ऑब्जेक्टिव्स अब हम पढ़ेंगे डॉट्स के बारे में डॉट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ठीक है तो इस पर शॉर्ट नोट भी आता है डॉट्स क्या होता है डॉट्स इज डायरेक्टली ऑब्जर्वड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स ठीक है तो इसका जैसा नाम है डॉट मतलब डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट ठीक है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट जो है ये क्या होता है कि ऑब्ज़र्वर जो होता है जो कोई भी हेल्थ वर्कर होगा ठीक है कोई भी वॉल्टियर होगा वो वॉच करेगा अपन को देखते हुए कि पेशेंट टेबलेट्स वॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो अपन को राइट right ड्रग देनी है राइट right डोज में देनी है राइट right इंटरवल पे देनी है ठीक है और ये कब होता है डॉट्स डॉट्स होता है ड्यू टू ड्यूरिंग इंटेंसिव फेज मतलब दो फेज होते हैं ना एक होता है इंटेंसिव फेज मतलब शुरू के दो से तीन महीने और फिर कंटिन्यूशन फेज इस अगले चार से पाँच महीने ठीक है ठीके? तो अब कंपोनेंट क्या होता है डॉट्स के डॉट्स के पाँच कंपोनेंट हैं ठीक है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट ठीक है फिर डायग्नोसिस बाय क्वालिटी अश्योर्ड स्पूटम स्मीयर्स एडिक्वेट सप्लाई ऑफ द एश्योर्ड शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट सिस्टमिक मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी क्या मतलब हुआ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट होना चाहिए अपन माइक्रोस्कोपी से डिटेक्ट करें डायग्नोस करें ठीक है फिर जो ड्रग्स की सप्लाई है वो पूरी होनी चाहिए जो ट्रीटमेंट है वो डायरेक्टली ऑब्जर्व होना चाहिए जैसे मैंने बताया कि वो ऑब्जर्वर जो है पेशेंट को अपने सामने ड्रग खिलवाएगा ठीक है और सिस्टमिक मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए फिर अपन आते हैं इसके जैसे मैंने दो फेज़ बताए इंटेंसिव फेज और कंटिन फेज़ इंटेंसिव फेज जो होता है वो दो से तीन महीने का होता है और जो कंटीन्यूशन फेज होता है वो चार से पाँच महीने का होता है इंटेंसिव फेज में पेशेंट फॉलोज द मेडिसिन प्रेजेंस ऑफ द हेल्थ वर्कर ठीक है और ये थ्री टाइम्स अ वीक ऑल्टरनेट डे पे अपन करते हैं ठीक है कंटीन्यूशन फेज़ में क्या होता है कि एक वीकली पैक दे देते हैं अपन कंटीन्यूशन फ़ेज़ कब शुरू होता है पहली बात कंटीन्यूशन फ़ेज शुरू होता है जब अपना जो नेगेटिव हो जाए स्पूटम तब अपना कंटिन्यूशन फेज होता है इसमें क्या होता है अपन एक ब्लिस्टर पैक देते हैं ठीक है थीके? और उस ब्लिस्टर पैक का जो फर्स्ट डोज है वो अपन पेशेंट को सामने खड़े होकर खिलवाते हैं बाकी अपन उसको पैक दे देते हैं और फिर एक हफ्ते के एंड में उसको एम्प्टी ब्लिस्टर पैक लेकर आना होता है ठीक है तो दिस इज कंटिन्यूशन फेज एंड दिस इज इंटेंसिव फेज हमारा नेक्स्ट है क्या स्टॉप टीबी स्ट्रेटेजी तो अब क्या हुआ हमारा डॉट्स हो गया 1992 में अब अपना 2006 पे एक और चीज अब गवर्नमेंट लाइव दैट इज स्टॉप टीबी स्ट्रेटेजी इसमें क्या हो गया इसमें इसकी छह चीजें सबसे पहली चीज है अपन को डॉट्स जो है वो परस्यू करना है ठीक है उसको एक्सपेंशन करना है एनहैंसमेंट करना है अपन को टी बी विथ एच आई वी और एम डी आर टी बी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबर क्लॉसिस इन दोनों को एड्रेस करना है ठीक है फिर हमारा आता है कि हमें कॉन्ट्रीब्यूट करना है द हेल्थ सिस्टम की स्ट्रेंथनिंग ठीक है सारे के सारे जितने भी केयर प्रोवाइडर्स होते हैं सबको एंगेज करना है हमें पेशेंट्स और उनकी कम्युनिटी दोनों को एम्पावर करना है और फिर एनेबलिंग एंड प्रमोटिंग रिसर्च रिसर्च भी करनी है ठीक है तो ये इसके छह कंपोनेंट्स हैं फिर हमारा आता है एन टी बी स्ट्रैटेजी ये अब अब क्या हुआ कि स्टॉप टी बी स्ट्रैटजी के बाद सबसे लेटेस्ट जो स्ट्रैटेजी आई है दैट इज़ एन टी बी स्ट्रैटेजी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इसमें हम क्या करते हैं हम एन टी बी स्ट्रैटेजी को मेजर कैसे करते हैं कि नंबर ऑफ पीपल हु डाई ड्यू ड्यू टू ट्यूबर क्लॉसिस ईच ईयर ठीक है इस इस स्ट्रैटेजी का विजन क्या है इस स्ट्रैटेजी का विजन है कि वर्ल्ड शुड बी फ्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस डेथ डिजीज एंड सफरिंग ठीक है अब गोल क्या हुआ इसका इसका गोल है कि एंड ट्यूबरकुलोसिस एपिडेमिक एपिडेमिक को अपन को खत्म करना ट्यूबर के ठीक है फिर अब अपन आते हैं इसके टारगेट्स पे तो इसके तीन टारगेट्स हैं रिडक्शन ऑफ द नंबर ऑफ ट्यूबरकुलोसिस डेथ अपन कंपेयर कर रहे हैं थ्रू द डेट ऑफ 2015 अपन को ट्यूबरकॉसेस की जो डेथ है वो 95 परसेंट कम करनी है अपन को ट्यूबर क्योलासेस जो है उसका इंसिडेंट्स 90 परसेंट कम करना है ठीक है और अपन को ट्यूबर अफेक्टिंग फैमिली फेसिंग कैटेस्ट्रोपिक कॉस्ट मतलब उनकी बहुत ज़्यादा अर्निंग्स ट्यूबरकॉसेज के ट्रीटमेंट में जा रही है वो जीरो होना चाहिए ठीक है थीके? तो ये है इसके तीन टारगेट्स बहुत इंपॉर्टेंट फिर इसके पिलर्स हैं पिलर्स भी जिस तरीके से टारगेट्स थे वैसे ही तीन हैं तो सबसे पहले है अपना इंटीग्रेटेड पेशेंट केयर एंड प्रिवेंशन दूसरा है बोल्ड पॉलिसी एंड सपोर्टिव सिस्टम और फिर अपना तीसरा है इंटेंसिफाइड रिसर्च एंड इनोवेशन ठीक है तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे इंटीग्रेटेड पेशेंट केयर एंड प्रिवेंशन तो इसमें क्या होगा अर्ली डायग्नोसिस अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ सारे लोग इनक्लूडिंग एम डी आर टी बी फिर टी बी विथ एच आई वी इनका भी ट्रीटमेंट अपन को करना है और प्रिवेंट करना है जो लोग हैं जो हाई रिस्क के हों ठीक है उनको वो टी बी से उनको टी बी ना सफ़र करना पड़े और वैक्सीनेशन तो ये इसकी चार अप्रोच होगी इंटीग्रेटेड पेशेंट केयर एंड प्रिवेंशन फिर बोल्ड पॉलिसी एंड सपोर्टिव सिस्टम इसमें जितनी भी पॉलिसीज वगैरह हैं वो आएंगी पॉलिटिकल कमिटमेंट विद एडिक्वेट रिसोर्सेज फॉर टी बी प्रिवेंशन एंड केयर सबसे पहली चीज़ ये आएगी हमारा पॉलिटिकल कमिटमेंट वाला पॉइंट दूसरी चीज़ आ जाएगी हमारी एंगेजमेंट ऑफ द कम्युनिटी मतलब जितने भी प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स हैं वो सारी की सारी इसमें एंगेज होनी चाहिए फिर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में अपन क्या करेंगे अपन अपन हर चीज़ को रेगुलेट करेंगे मतलब अपन मेडिसिन को इन्फेक्शन का कंट्रोल करेंगे रेग हम केस नोटिफिकेशन देंगे गवर्नमेंट को हम वाइटल रजिस्ट्रेशन करेंगे जो भी टी ट्यूबर कलॉसेस के आते हैं हमारे पास और क्या करेंगे सोशल प्रोटेक्शन फ्रॉम पावर्टी पावर्टी की वजह से ट्यूबर होता है जनरली तो हम सोशल प्रोटेक्शन करेंगे फ्रॉम पावर्टी लास्ट चीज़ है हमारी दैट इज़ इंटेंसिफाइड रिसर्च एंड इनोवेशन इसके अंदर हम क्या करेंगे न्यू टूल्स इन्वेंशन एंड स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करेंगे ठीक है इन डिस्कवरी डेवलपमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस का जो भी होता है और दूसरी चीज़ रिसर्च टू ऑप्टिमाइज़ द इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्पैक्ट द इनोवेशन ठीक है ऑप्टिमाइज एंड ऑप्टिमाइज इम्प्लीमेंटेशन इम्पैक्ट एंड इनोवेशन तो थ्री आई याद रखो इम्प्लीमेंट करना है इम्पैक्ट करना है और इनोवेट करना है ठीक है फिर एक ग्लोबल ग्लोबल प्लान एक बना इसके अंदर क्या हुआ कि नाइन्टी परसेंट पीपल को हमें रीच करना है ठीक है और उन्हें उन्होंने ट्यूबरकुलोसिस टी, ट्रीटमेंट देना है फिर हमें नाइन्टी परसेंट की पॉपुलेशन मतलब जो सबसे ज़्यादा वनरेबल है उन तक रीच करना है उनको ट्रीटमेंट देना है फिर हमें नाइन्टी परसेंट ट्रीटमेंट देना है और फिर उसमें सक्सेस भी लानी है ठीक है फिर हमारा ये जो मैंने आपको बताया 1994 में डॉट्स था 2006 में स्टॉप टी आया और 2015 में एन टी आया ठीक है फिर इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं इसको छोड़ रही हूँ फिर हमारा नेक्स्ट आता है कि लेबोरेटरी नेटवर्क तो ये लेबोरेटरी नेटवर्क के अंदर अपन अपन को पता है कि अपन स्पूट एक हैरार की होती है उसमें अपन स्पूटम माइक्रोस्कोपी और एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट के थ्रू अपन ये चीज़ करते हैं ये लेबोरेटरी नेटवर्क में वही आएगा एक तो नेशनल लेवल पर एक लेबोरेटरी होगी उसको नेशनल रेफरेंस लेबोरेटरी बोलेंगे टोटल सिक्स होंगी इंटरमीडिएट रेफरेंस लेबोरेटरी होंगी ठीक है फिर डिस्ट्रिक्ट टीबी सेंटर होगा एक ट्यूबर क्लासेस यूनिट होगी फिर उसके बाद आएगा डेजिग्नेटेड माइक्रोस्कोपी सेंटर ठीक है तो ये अब हमारे लेवल्स हैं लेबोरेटरी फिर क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटी क्वालिटी एश्योरेंस मतलब उसी टाइम साइट पे माइक्रोस्कोपी का इवेल्यूशन होगा पैनल की टेस्ट पैनल बैठ के टेस्ट करेगा उसको और रैंडम ब्लाइंडेड री चेकिंग होगी ताकि जो हमारा बायस है वो ना हो पाए फिर टीबी डायग्नोसिस बाय आरएनटीसीपी टीबी को कैसे डायग्नोस करेंगे तो उस पहले स्मियर है वन कैसे बना सकते हैं जेडिन स्टेनिंग या फिर फ्लोरोसिन स्टेनिंग फिर कल्चर है. <laughs> है फिर रैपिड डायग्नोस्टिक एंड मोलिक्युलर टेस्ट है फिर रेडियोग्राफी और फिर ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट है टोटल पाँच टेस्ट है हमारे ठीक है हमारी स्टेनिंग कल्चर रैपिड डायग्नोस्टिक मोलिकुलर टेस्ट रेडियोग्राफी एंड ट्यूबरक्युल स्किन टेस्ट फिर कुछ नए इनिशिएटिव्स लिए हैं गवर्नमेंट ने सबसे पहला है इसमें निक्शय निक्शय क्या होता है टी बी सर्वेलेंस बेस्ड ऑन द आई टी सिस्टम्स मतलब अपन आई टी की जो आई टी सिस्टम के थ्रू अपन सारी डिटेल्स और डेटा को मैनेज करेंगे ठीक है इसके अंदर निक्शा के अंदर आ, क्या होता है कि अपन यूज़र डिटेल्स टी बी पेशेंट की डिटेल्स उसके हर तरह की कल्चर की डिटेल्स उसके उसका एक्सरे उसके सी बी नेट ठीक है उसके ड्रग रजिस्टेंस ट्यूबरकोलोसिस की डिटेल्स उसका रेफरल ट्रांसपोर्ट हर चीज़ एस एम एस एलर्ट्स के थ्रू पेशेंट को भी जाती है और ऑफिसर को भी जाती है ठीक है तो ये है हमारा न्यू इनिशिएटिव दैट इज़ निश्चय ठीक है फिर और क्या हमारा नया इनिशिएटिव है हमारे नए इनिशियेटिव टी बी नोटिफिकेशन ठीक है जिस जिसको ट्यूबर ती क्लॉसेज होगा वो हमारे अथॉरिटी जो है उसको नोटिफाई करेगी फिर क्या होगा कि तीसरी चीज़ है हम बैन कर दिया है इंडिया में टीबी बी सीरोलॉजी को क्योंकि इसका रिस्पांस बहुत वेरिएबल है फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम्स मतलब हम डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो भी चीज़ें होती हैं थ्रू निक्शय एंड आधार लिंक्ड फिर क्या होता है डेली रेजिमेंट फॉर ऑल द फॉर्म्स ऑफ टी मतलब ऑल्टरनेट डे ड्र, ड्रग नहीं लेनी डेली लेनी है ठीक है फिर ब्रेडा क्वीन ये कंडीशनली अपन ले सकते हैं कभी कभी ब्रेड क्वीन नई ड्रग है फिर कैंपेन मोड कैंपेन में मोड में हम एक्टिव केस फाइंडिंग करेंगे घर जर, घर घर जाके हम केस फाइंड करेंगे फिर क्या होगा पायलट्स फॉर यूनिवर्सली एसेसिबल केसेस ये हमारे एट न्यू इनिशिएटिव्स हैं फिर ड्रग रेजिस्टेंस और सर्वेलेंस क्या होता है डीआरएस मतलब जो भी हमने फाइंड द प्रिवलेंस ऑफ द एंटी माइक्रोबैक्टीरियल ड्रग रेजिस्टेंस अमंग न्यूली पॉजिटिव एंड प्रीवियसली ट्रीटेड जो पहले अपन पेशेंट्स को ट्रीट कर सक कर चुके हैं उनमें और जो नए पेशेंट आ रहे हैं उनमें कौन सी ड्रग को लेके कितनी रेजिस्टेंस है ठीक है दैट इज ड्रग रेजिस्टेंस सर्वे सर्वेलेंस इसके दो पार्ट एक तो नोडल है और एक डिस्ट्रिक्ट है नोडल वन इन टेन मिलियन पीपल होगा और डिस्ट्रिक्ट में वन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ठीक है फिर नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम हम जो लेटेस्ट जो हम जिसके अंदर चल रहे हैं दिस नेशनल एलिमिनेशन प्रोग्राम के 2017 से लेकर 2025 तक का प्रोग्राम है ठीक है हमें इसमें क्या करना है कि का इंसिडेंस और प्रविलेंस और मोर्टेलिटी कम करनी है ठीक है और इंडिया को फ्री करना है फ्रॉम ड्यू टू द डिजीज एंड ड्यू टू पॉवर्टी फिर हमें क्या करना है फाइंड ऑल द ड्रग सेंसिटिव जितने भी हमारे ड्रग रेजिस्टेंस और ड्रग सेंसिटिव केसेस हैं हमें जितना हो सके उसको फाइंड करना है ठीक है जितने भी पेशेंट एंटी ट्यूबोकोलॉसिस ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको ले रहे हैं या फिर उनको इनिशिएट कराना है जिनको टी है ठीक है प्रिवेंट कराना है हमें इमरजेंसी ऑफ टी और बिल्ट एंड स्ट्रेंथन कराना है अपन को हमारा सिस्टम ठीक है फिर उसको हमारी की स्ट्रैटेजी क्या है इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर का एंगेजमेंट कराना है एक्टिव केस फाइंडिंग करानी है ड्रग रेजिस्टेंस पता करना है सोशल फैक्टर जैसे न्यूट्रिशन उसको एड्रेस करना है फिर अपन को सर्वेलेंस सिस्टम जो है अपना स्ट्रेंथन करना है फिर कम्युनिटी का एंगेजमेंट करना है ठीक है अब हम हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आउटकम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एट्टी परसेंट जो है वो टीबी का इंसिडेंस कम हो जाएगा इस स्कीम से नाइन्टी परसेंट टी की मोर्टेलिटी कम हो जाएगी और जीरो परसेंट कैटास्टॉपिक एक्सपेंडिचर होगा अब क्या है कि चार पिलर्स हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं जिसकी वजह से सब होगा दैट इज डिरेक्ट डिटेक्ट ट्रीट प्रिवेंट एंड बिल्ट ठीक है डिटेक्ट ट्रीट प्रिवेंट एंड बिल्ट इस स्ट्रैटेजी पे हम काम कर रहे हैं ठीक है तो दिस वॉज आर आर एन टी सी पी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फुल क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट भी आता है ठीक है डॉट्स पे शॉर्ट नोट आता है फुल क्वेश्चन आर एन टी सी पी पे आता है So, if you like this video, then please like, share, and subscribe my channel. And thank you so much.